नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रिसा सीतापुर। आइए मैं खबर से रूबरू कराऊंगा जो जनपद सीतापुर विकास खंड रिवसा कस्बा रिवसा के अंदर और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र परिसर की तस्वीर है, जहां पर आप लोगों को हम दिखाएंगे और बताएंगे भी जो आज दिनांक 18 अप्रैल 2022 को जो ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम किया गया, जो सीधे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर और पदाधिकारी मौजूद रहे और माननीय विधायक ज्ञान तिवारी के नेतृत्व में उनके द्वारा ये कार्यक्रम जो रिवसा कस्बा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र परिसर के अंदर ये ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के डॉक्टरों ने और मंच के संचालित जो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रिवसा के फार्मा सेंटर संदीप पांडे जी कर रहे थे और भाजपा के सभी पदाधिकारी वहां पे एक फूल माला से अर्पण करके सभी को स्वागत सम्मान किया गया, जो सीधे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और हर मर्ज की हर दवाइयां बताई गई और एक लाभ भी बताई गई, जिसमें सभी प्रकार की लाभें बताई गई जो आप लोग सीधे मुझबानी और स्क्रीन के ऊपर जो हम दिखा रहे हैं आप लोग मुझबानी सुनेंगे, जो माने विधायक जी और डॉक्टरों की और पदाधिकारियों की जो भी मुझबानी है। और इस वीडियो को जो भी देखेगा और इसमें हर वीडियो देखने वाले व्यक्ति को एक लाभ मिलेगा, जो आयुष्मान भारत कार्ड है और हर चीज़ इसमें एक सुविधाएं दी गई हैं, जो माननीय विधायक ज्ञान तिवारी के द्वारा। आप लोग इस वीडियो को देखें और पूरा इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, ताकि एक दूसरे को लाभ मिल सके और कौन मर्ज किस डॉक्टर के वहाँ पे इलाज कराई जाएगी, इसमें पूरा वीडियो में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके उपस्थिति में जो हमारे ग्राम पंचायत राजापुर कला के पूर्व प्रधान पंकज गुप्ता उपस्थित रहे और सभी क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। नमस्कार, जय हिंद। ऐसे मामले विचित्र करने के बाद आज मैं हम सब के बीच रह करके ऐसे विधायक माननीय ज्ञान तिवारी जी का हम सबके प्रिय और विकास खंड रेवसा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करें, हमारे बीच श्याम सुंदर भारती जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, हमारे बड़े भाई और प्रधान संघ के सम्मानित अध्यक्ष दादा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पर स्वागत करें और हम सबके हमारे बीच छोटे भाई श्री कृष्णानंद अवस्थी जी हैं, उनका भी मान भाई रामेंद्र शुक्ल जी रामू जी मंचा सिंह है, आपका भी दादा रामेश्वर गौतम जी मंचा सिंह है, धौली श्री चंद्रशेखर वाजपेयी जी मंचा सिंह है, उठे हमारे माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि अभूतपूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष स्वागत स्वागत करें, आप सब भी अपने तालियों की ध्वनि पूरे विकास खंड के स्मृत चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। सरस्वती जी की प्रतिमा तक आने की कृपा करें। ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय। छोटे भाई अवधेश चौहान जी भी यहाँ पर इस बाल यहाँ स्वास्थ्य मेले में उनका भी आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
संजय टेंट हाउस, संजय भैया। भैया आ जाओ, सब लोग आ जाओ। सही खड़े हो प्रधान जी? हाँ आ जाओ प्रभु जी। तुषार पार धवला निहते सुविधाएं मिल पाती है। आज का जो ये मेले का आयोजन हुआ है, ये आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शासन की मंशा के अनुरूप 18 से 23 अप्रैल के बीच में प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में इस तरीके के मेले का आयोजन किया जाना है। सीतापुर ब्लॉक में, सीतापुर जिले में आज इस ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन 6 ब्लॉकों में हो रहा है, उनमें से रिवसा भी एक है। इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिनका विभिन्न विभिन्न विभाग क्रियान्वयन करते हैं, उन विभागों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे व आम जनमानस उन योजनाओं का लाभ ले सके, इस उद्देश्य से ऐसे मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे ब्लॉक में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवता के प्रांगण में ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन हो रहा है। इस प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग को अपना जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके तो पंडाल लगाए हुए हैं, वह अन्य विभाग भी इस मेले में आए हुए हैं, वह अपने अपना कर रहे हैं। उद्देश्य शासन का ये है कि जनमानस उन योजनाओं को जान। आज या जो ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसके अंतर्गत एक पंडाल के नीचे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य 6 विभागों का काउंटर लगाया गया है, जिन पर यहां पर उपस्थित सभी लोग, सभी जनमानस जाकर के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। क्यों आगामी दिनों में भी जैसी व्यवस्था होगी वैसा सरकार की जैसी मंशा होगी उस हिसाब से बताया जाएगा। इसी बीच हमारे बीच में विधायक जी के प्रतिनिधि दादा श्री ओम प्रकाश मिश्र जी हैं, आपसे अनुरोध है कि आप माइक तक आकर के हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय श्री मिश्र जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप योगी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल है उसका ये पहला कार्यक्रम स्वास्थ्य को लेकर आयोजित हो रहा है। माननीय विधायक जी का भी यह दूसरा कार्यकाल है, सर्वाधिक जोर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विधायक जी का स्वास्थ्य पर ही है। विधायक जी ने अपने पहले कार्यकाल में, आप सब लोग जानते हैं, स्वास्थ्य को लेकर बहुत पहल की, जिसका परिणाम है रामपुर मथुरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध कराया। वो स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है, बहुत ही जल्द वो स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाएगा। तो रामपुर मथुरा और उषा के बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा
जो स्वास्थ्य से अछूता था उस क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। आप तो जानते हैं अभी तक विधानसभा चुनाव विधानसभा 7 महत्वपूर्ण विभागों को जोड़ा है, जो जनता से जुड़े हुए 7 बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके यहाँ काउंटर लगे हुए हैं। आप पंजीकरण कराइए, कुष्ठ रोग है, दंत रोग है, आयुष है, युवक मंगल दल है, ऐसे बहुत से ग्राम शिक्षा है, बाल विकास पुष्टाहार है, ऐसे बहुत से जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, उनका लाभ प्रत्येक गरीब। इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ी पहल की है, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य को हम आधार बना के काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर एक डॉक्टर की तैनाती अवश्य हो। अभी विधायक जी का जब संबोधन होगा, विधायक जी बहुत विस्तार के साथ बात रखेंगे। हमारे देश की जनता, हमारे देश के रहने वाले लोग किस तरीके से निरोगी होकर के खुशहाल रह सकते हैं में लगा हुआ है। क्या इससे पहले भी कभी मेले हुए हैं क्या? ये हमारी बताइए, इससे पहले भी कभी इस अस्पताल में स्वास्थ्य मेला लगा है? लोगों को जानकारी हुई है, कभी लगा है क्या? यही तो मोदी की सरकार है, यही तो योगी की सरकार है कि हर सरकार की योजना जनमानस तक पहुंचना चाहिए और उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि आखिर सरकार आपके लिए क्या कर रही है। ये सरकार की योजनाएं फाइल में ही न रह जाए, जमीनी स्तर पे पहुंचे। गांव में रहने वाला वो गरीब व्यक्ति, वो बूढ़ी माँ, वो गरीब परिवार, उसको इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी और इसकी समीक्षा आज हम सबको करना है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हम भिन्न भिन्न पदों पे बैठे हुए लोग और इस प्रांगण में जितने भी हमारे विभाग हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि में विधायक तो है, विधायक साथ साथ में हमारे प्रमुख भी हैं और हमारे प्रधान भी हैं, और हम ये चाहेंगे विधायक के साथ साथ में हमारे प्रमुख जी और हमारे जो प्रधान जीगण हैं, ये और ज्यादा इन सरकार की योजनाओं पे जोर देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा इस आम जनता की हम सेवा कर सकते हैं। आज के मेले में उपस्थित हमारे रेवसा के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई अवधेश चौहान जी, हमारे प्रतिनिधि भाई ओम प्रकाश जी, हमारे रेवसा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी महोदय वीडियो भाई रजनीश शुक्ला जी, उप ब्लॉक प्रमुख रहे भाई हरीश शुक्ला जी, हमारे अधीक्षक महोदय अनूप पांडे जी, हमारे प्रधान संघ के सम्मानित अध्यक्ष जी संजीव जी सहित मंच पे विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरगण, हमारी आशा बहुएं, आंगनबाड़ी की सभी सम्मानित, और हमारे आप आम जनमानस तक जो आगे निरंतर आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे कि सुरक्षा और सम्मान के लिए, दबे कुचलों के उत्थान के लिए, और पूरे देश में चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो हमारा पंचायती राज विभाग हो, चाहे हमारा कोई भी विभाग हो, आम जनमानस को कैसे उसको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, इस हर उस समस्या के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपने देखा होगा सरकार बना करके पूरा किया, और वो जो पूरा किया है ये कोई बड़े बड़े लोगों ने नहीं पूरा किया है, ये जो आपको जो अंतिम पायदान के लोग हैं, जिन लोगों ने ये सोचा कि अगर मोदी रहेंगे, और मोदी को तो 2014 में आपने बिठाया लेकिन 2017 तक आपको मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं लाभ मिला? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जब दिल्ली की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की योगी जैसा आपको मुख्यमंत्री मिला, और जब योगी जैसे मुख्यमंत्री मिलेंगे तो निश्चित तौर से
उस आम जनमानस के घर में खुशहाली ही आएगी। इसका जीता जागता उदाहरण आपको 2017 से और 2022 की आज मेरे पास भी फोन नहीं आता है कि हमारे डॉक्टर लोग उन इंजेक्शनों को लगा करके लोगों को संतुष्ट करने का काम करते हैं। इतनी बिगड़ी हुई व्यवस्था के साथ साथ में हम लोगों ने एक्सरा मशीन को लेकर के जहाँ कभी उनके पास वो जो फिल्म रहती थी नहीं थी उसको लेकर के भी पूरा प्रयास किया गया। आज फिल्म भी उपलब्ध है। एक ऐसी लैब की भी व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। उसमें जो केमिकल को लेकर के दिक्कत है कि केमिकल नहीं है इनके पास, मैंने कहा उसको हमको लिख के दीजिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अब जो स्वास्थ्य मंत्री है उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी है, मैं प्रयास करूंगा एक दिन उनको रेवसा लाऊं, आपके इस अस्पताल का भी निरीक्षण कराऊं और कम से कम हमारे इस गांधी क्षेत्र के लिए इसका उच्चीकरण हो, 100 बेड का एक अस्पताल बन जाए, महिलाओं की अलग व्यवस्था हो जाए और पुरुषों के लिए 50 बेड का अलग हो जाए, महिलाओं का अलग व्यवस्था हो जाए। इस रूप में भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे गांधी में, हमारे विरोधा में ऐसा एक स्वास्थ्य केंद्र भी बने, इसका भी मेरा प्रयास रहेगा। आज ऐसे गरीबी रेखा के नीचे झोपड़ी में रहते थे, जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे 27,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे करके, 27,000 लोगों को पूरी विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास दे करके उनको बताने का भी काम किया गया है। आज टीवी पूरे भारत में, सिर्फ रेवसा और सीतापुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में टीबी से मुक्ति मिल जाए। जिस तरीके आपने कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब कोरोना हुआ, हेलो, मेरा नाम ज्ञान देवी, फैमिली वेलफेयर काउंसलर, मैं यहाँ सेफ्टी रेवसा में परिवार नियोजन परामर्शदाता के रूप में कार्य करती हूँ। जो भी एम्स से लेकर यदि जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनसे लेकर जिसको भी परिवार नियोजन का जो भी तरीका देना होता है वो सारा दादा हमी से उपलब्ध होता है। गर्भवती तक पूरा कार्य है अपना पांडे जी और हमारे समाज के जो भी व्यक्ति आए हुए हैं और हमारे बैठे हुए बहुत सारे भाई बच्चे सभी को मेरा चादर नमस्कार। सबसे पहले मैं और यहाँ पे मैं अर्श काउंसलर हूँ। यहाँ पर एक साथिया केंद्र जो 10 साल से 19 साल तक की किशोर और किशोरियों के लिए बनाया गया है, वहाँ पर सभी किशोर और किशोरियाँ आकर उससे मिल सकती हैं और उनकी जो भी समस्या है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, जिन समस्याओं को अपने घर में, परिवार में, अपने माता पिता से, अन्य लोगों से नहीं कर सकती है, हमारा कक्ष एकदम अलग है, वो आकर हमसे मिल सकती है, वहाँ पर वो अपनी पूरी बात उससे कर सकती है। विकलांगता आ जाती है तो उनका हम विकलांग सर्टिफिकेट जारी करवा करके उनको हम पेंशन 3,000 रुपये महीने की व्यवस्था करवाते हैं। और जिनके पैरों में जख्म हो गए हैं या पैदल चल रहे हैं, रगड़ घिस से उनके जख्म बनते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास चप्पलों की भी सरकारी व्यवस्था है, उसका हम वितरण भी करवाते रहते हैं। और बाकी आज हमारे पास एक रोगी नया आया है मेले में, उसको हमने पंजीकरण करके उसको दवा उपलब्ध करा दी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं आम जनमानस के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल है। आज के वर्तमान समय में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर इसको बिल्कुल सहज और सरल बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है, जिसका कर्तव्य है कि ग्रामीणों से जो लोग ब्लॉक तक भटकते हुए, तहसील तक भटकते हुए जाते थे, उनको गांव में ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अगर उनको आवश्यकता पड़े परिवार रजिस्टर नकल की तो ग्राम पंचायत में ही बने सचिवालय में उनको परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, जिस भी प्रकार की समस्या हो उसका वहीं पे त्वरित निदान किया जा रहा है। एवं इसी के साथ साथ
पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर में शौचालय नहीं बन पाया, सहायता समूह को नियुक्त किया गया है, जिससे ग्रामीणों को उसका भरपूर लाभ मिल सके और गांव के ही निवासियों को उसका लाभ मिले और रोजगार भी मिले। धन्यवाद। कुमार पीआरडी ब्लॉक कमांडर देवसा, हमारा विभाग हमारे बीच में उपस्थित आज के मंडन करता हूँ। हमारा विभाग युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल, चूंकि इसमें दो विभाग, एक में आते हैं खेल विभाग, दूसरा सुरक्षा विभाग, जो पीआईडी के रूप में जाना जाता है, पीआईडी जो हर गांव में और इस समय थाने में नौ नौ जवान सुरक्षा के तौर में कार्य कर रहे हैं, और युवा कल्याण खेल विभाग, इसमें ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत में युवा काबलिक महिला मंगल दल का गठन किया गया है। उनको हमारा विभाग वॉलीबॉल, फुटबॉल, युवक मंगल दल के लिए चेस्ट स्पेंडर, महिलाओं के लिए कूदने की रस्सी, युवतियों के लिए, जिससे हम प्रयास करेंगे, पूर्ण प्रयास हमारा रहेगा कि जो ग्रामीण अंचलों में हैं उनको खेल प्रतिभा निखारने का कार्य हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ में कुछ ऐसे भी ग्राम पंचायत हैं जहां पे खेल प्रस्तावित है, उसका उद्घाटन भी माननीय विधायक जी के द्वारा ही किया जाएगा।